हम आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन। ये ओवरऑल सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपने बहुत अच्छे से करना है। प्लेसेंटा क्या होता है, फीटल प्लेसेंटा क्या है, मैटरनल प्लेसेंटा क्या है, कैसे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिडुआ क्या है, डेसिडुआ की लेयर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिडुआ प्लेसेंटा की डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपने डायग्राम इससे करोगे ना आप लोग, आपको बड़े आसानी से जो है वो समझ आ जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। ये सारा ना आपने कर लेना, इसको परेशान नहीं हो जाना इतना बड़ा देख के। आप कोई भी जो है वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा की, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस पर डॉक्टर नजीब के लेक्चर नहीं है। देन प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये जस्ट आपने हल्की फुल्की ना एमसीक्यू के लिए रीड कर लेनी है, इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक एमसीक्यू में आया था, यस ये वाला, कि जो इंटरवल स्पेस है उसमें कितना ब्लड होता है, 150 ml, ये आपने देख लेना है बस। ये आपको पता नहीं चाहिए प्लेसेंटल मेम्ब्रेन क्या है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कैसे बन रही है। ये इसमें लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, सिंसिटियो, साइटो, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ विलस एंड एंडोथेलियम। लेकिन 20th week के बाद ना लेयर्स कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, 3 layer हो जाती हैं, ठीक है। ये आपने देख लेना प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ प्लेसेंटल बैरियर। ये आगे ना डायग्राम भी बनी होगी डायग्राम में, यस ये इसने डायग्राम्स बनाई हुई हैं प्लेसेंटल बैरियर की, और कैसे लेयर्स कम हो रही हैं ये भी दिखाया हुआ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात होगी, और एज सच इसमें फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ये आपने रीड कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज सिंसिटियल नॉट्स, ये हल्का सा पता होना चाहिए। और अब ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ना आप ये भी कर सकते हो, मैंने समराइज़ किया हुआ था कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड के, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड एक्टिव पाइनोसिटिक वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, अल्कोहल, हीरोइन, कैफीन, फीटल आरबीसीज, ड्रग्स वगैरह, एंडोक्राइन सिक्रीशन में एससीजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। ये इस तरह अपना ये फंक्शंस हैं, सारे समराइज किए हुए हैं आगे। ये जस्ट ये एमसीक्यू के लिए हैं, ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट इसमें बात नहीं है, ना ही इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है। ये प्लेसेंटल हार्मोन्स का बस पता होना चाहिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ये जो एससीजी है इसका पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो 1st week के एंड पे से क्रिएट होता है और जो है वो मैक्सिमम हो जाता है 8 week तक। और ये एक एमसीक्यू है कि प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरोन बना सकता है मदर के कोलेस्ट्रॉल से और प्रेगनेनिलोन से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आगे नहीं करना प्लेसेंटा एज एन एलोग्राफ्ट वाला टॉपिक, ये आप आगे आ जाओ। पार्चुरेशन, ये एज सच कोई रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल अगर आपने देखना होगा तो देख लीजिएगा, फॉर एमसीक्यू के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इसमें टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, डायलेटेशन, एक्सपल्शन, प्लेसेंटल स्टेज, वरना ये रिटर्न के लिए इतना जो है वो ऐसे नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है, ये आगे आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा क्या होता है, मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा, हॉरशू प्लेसेंटा, बायडिस्काइड प्लेसेंटा, ये क्या होते हैं, इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ये इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, मैटरनल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा, फीटल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा, ना ये इतना कोई पूछता है। ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एसेसरी प्लेसेंटा, ये पता होना चाहिए, लेकिन ये भी ना इतने माइनर माइनर ही हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ बैटल डोर प्लेसेंटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, छुप के लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देखना, व्हाट इज़ बैटल डोर प्लेसेंटा, ये लिखा हुआ, ठीक है। और ये आगे भी आएगा वैसे, बैटल डोर प्लेसेंटा, विलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, ये क्या होती है, ये पता नहीं, बैटल डोर प्लेसेंटा, विलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखे हुए हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि पहले भी आया हुआ था प्लेसेंटा प्रीविया। ये तीनों प्लेसेंटा आपने बड़े अच्छे से करने हैं। और इसमें आपको मैं बता दूँ, ये कंपेरिजन इसका आपको पता चाहिए डेंजरस किस लिहाज से हैं, ये जो मोस्ट डेंजरस है ना वो प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, और पता होना चाहिए प्लेसेंटा प्रीविया। और इसके अलावा अगर आप ये देखोगे ना, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा भी होता है, इनक्रीटा जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान होता है, एक्रीटा और परक्रीटा के दरमियान, तो इसलिए आपने ना डेंजरस के लिहाज से इसको देख लेना। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है, जो कि कॉमन फीचर है इसका प्लेसेंटा परक्रीटा का, ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू के लिए भी है और रिटर्न के लिए भी है। अम्बिलिकल कॉर्ड में ये आपको पता होना चाहिए वाल्टन जैली क्या है, ये वैसे हिस्टोलॉजी में भी आपका आएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के, उसे हम वाल्टन जैली कहते हैं। बाकी ये ऐसा जिसमें कोई लिखा नहीं इंपॉर्टेंट, ये दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमनियन, एमनियाटिक फ्लूड, उसकी सर्कुलेशन, उसकी अब्जॉर्प्शन, उसके फंक्शन, A to Z, ये आपको यहाँ से स्टार्ट हो गए टॉपिक, ये आपको यहाँ तक A to Z आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। कंपोजिशन, सिग्निफिकेंस, सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये अबनॉर्मेलिटीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलीगोहाइड्रामिनोज, पोलीहाइड्रामिनोज, स्किन कंडीशन में हो रहा है,
ये इसी तरह सवाल आता है, व्हाट इज़ एमनियोटिक फ्लूड, उसकी सर्कुलेशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, या उसकी जो है वो डिसऑर्डर क्या है, ये ए टू जी आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इसका पता नहीं, ये क्लिनिकल, व्हाट इज़ एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, ये एम्बिलिकल वेसिकल का ना, ये वायवे के लिहाज से वैसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है एम्बिलिकल वेसिकल की, न्यूट्रेंट देती है, ब्लड डेवलपमेंट में जर्म सेल दे रही होती है, और ये एलेंटॉइस या पहले भी पढ़ के आए हो, 16th वीक में बनता है, 16वें दिन पे, सॉरी वीक कह रहा हूँ, 16वें दिन पे बनता है, और ये इसकी इंपॉर्टेंस देख लेनी है एलेंटॉइस की, ठीक है। ये एमसीक्यू है एलेंटॉइस सिस्ट, ठीक है, इसमें आपको अम्फेलोसील जो है वो नज़र आती है। आगे आ जाएं, ये मल्टीपल प्रेगनेंसी वाला ना, इसमें मेन चीज़ है क्लिनिकल, क्लिनिकल कौन से हैं, व्हाट आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, व्हाट आर डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये आपने सारे इन डायग्राम से देख के कर लेने हैं, आपको बड़ी अच्छी समझ आ जानी है इन ट्विंस की, ये कंपैरिजन भी आ जाता होता है और अलहदा से भी आ जाता होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विनिंग क्या है, ये आपने डायग्राम देख लेनी है, ये डायग्राम देख लेनी है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, व्हाट इज़ ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। देन ये कंजॉइंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, सिमियन ट्विंस इसी का सेकंड नेम है, कंजॉइंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ये डायग्राम बनी हुई है, ये सारी आपको समझ आ जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन से होते हैं, ये मैंने इधर लिखा था, है पैरासिटिक, डायस्फेलिक, थोरैकोपेगल, और ये जो है वो क्रेनियोपेगस, पाइगोपेगस। मुराद इससे मेरी ये है कि जिस जिस वो टिश्यू के साथ अटैच है उस लिहाज से उसकी अबनॉर्मैलिटी लिखी हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ सुपर फिकंडेशन, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए सारोसोलर ट्विन्स, एमसीक्यू के लिए फीमेल फीमेल मोनोजाइगोटिक को सारोसोलर ट्विन्स का नाम देते हैं, ठीक है, ये आपको जो है वो मेन इसमें पता होना चाहिए था। बाकी लैंगमेन से मैंने आपको बताया, जो आपने टॉपिक करने हैं वो दो ही हैं, एक सोमाइट्स है और एक स्पर्मियोजेनेसिस है, कौन सा है लैंगमेन से, जो आपने लैंगमेन से करना है वो है सोमाइट और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, बस। और लैंगमेन में आपने इन दो टॉपिक्स के अलावा आपने कुछ नहीं करना लैंगमेन से, ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं सोमाइट्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस, बाकी इसमें जो है वो एज सच आपने कुछ नहीं करना, ये बेसिक रीड कर लीजिएगा इसकी समरी, लेकिन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।